नमस्कार दोस्तों, आपको अपने YouTube चैनल नीर 143 क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन, जो आपको मैं प्रतिदिन बताता हूं। तो दोस्तों, आज है 3 नवंबर। तो दोस्तों, 3 नवंबर के 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पत्रकारों के खिलाफ, क्या पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा 21 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर, 4 नवंबर। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर है 2 नवंबर, मतलब पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है। अब दोस्तों, इसके अलावा इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स भी जानते हैं, क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं 2 नवंबर 2013 को माली में दो फ्रांसीसी, क्या 2013 को माली में दो फ्रांसीसी, माली में दो फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस तारीख का चयन किया गया। किसके द्वारा इस तारीख का चयन किया गया है? तो दोस्तों, 2 नवंबर की जो तारीख है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा चयन किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस तिथि का चयन किया गया, क्यों? क्योंकि 2 नवंबर 2013 में माली में दो फ्रांसीसी पत्रकारों की हत्या कर दी गई थी। ठीक है दोस्तों, और जान लेते हैं। अब दोस्तों, कुछ सर्वे बताते हैं, 2006 से 2020 के बीच लगभग कितने पत्रकारों की हत्या रिपोर्टिंग करते समय जनता तक जानकारी पहुंचाने के लिए कितने लोगों की हत्या कर दी गई है? तो दोस्तों, मोटा मोटा बताना चाहते हैं आपसे, 2006 से 2020, सॉरी ये 2000, एक मिनट, 2006 से 2020 के बीच, क्या 2006 से 2020 के बीच 1200 से अधिक, क्या 1200 से अधिक पत्रकारों की हत्या कर दी गई है? कैसे? समाचारों की रिपोर्टिंग और जनता तक जानकारी पहुंचाने के लिए मार दिए गए। ठीक है, तो कितने? 1200 से अधिक। अब दोस्तों, आपको कुछ इसके आर्टिकल बताता हूं। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, क्या दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 नवंबर को, क्या है दोस्तों? 2 नवंबर को महासभा के संकल्प ARES 68 163 में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत संकल्प ने सदस्य राज्यों से दंड से मुक्ति की वर्तमान संस्कृति का मुकाबला करने के निश्चित उपायों को लागू करने का आग्रह किया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों, जिससे जिससे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो बताए, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दो है, दिनेश के पटनायक को नवंबर 2021 में किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, रूस। रूल्स नहीं दोस्तों, ये रूस है, सॉरी टाइपिंग में मिस्टेक हुई है। फिर क्या है कि कौन से, मतलब दिनेश के पटनायक दोस्तों हैं, उनको नवंबर 2021 महीने में किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, स्पेन में। आपका राइट आंसर है स्पेन। ठीक है दोस्तों, अब इनसे रिलेटेड कुछ जानकारी, दिनेश के पटनायक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये दिनेश पटनायक जो हैं, 1900 बैच के, क्या 1990 बैच के ओडिशा से विदेश सेवा मतलब आई आई एफ एस के अधिकारी हैं। ठीक है दोस्तों, अब और कुछ रिलेटेड, तो दोस्तों वर्तमान में वे क्या है, वे भारतीय सांस्कृतिक संबंध आईसी, इस समय क्या है दिनेश पटनायक जी, तो इस समय दोस्तों ICCR मतलब भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। क्या है? ICCR के महानिदेशक हैं इस टाइम पर।
महानिदेशक हैं इस टाइम पर, ठीक है दोस्तों, कार्यरत हैं, उनके शीघ्र ही कार्यभार संभालने की उम्मीद दोस्तों। अब वो काहे का कार्यभार संभालेंगे, वो विदेश मंत्री के रूप में, राजदूत के रूप में, सॉरी राजदूत में, कहाँ के, स्पेन देश के, ठीक है दोस्तों। वो 1990 के बैच के अधिकारी उड़ीसा के हैं, ठीक है दोस्तों। अब स्पेन में जब उनका पोस्टिंग होगी, वो कहीं से राजदूत बनेंगे, तो स्पेन के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। फिर मुद्रा की बात करें तो स्पेन की मुद्रा है दोस्तों यूरो। क्या है? यूरो। अब राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों ईरान का, सॉरी यूरोप का, आपका ये फ्रांस का, सॉरी ये स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल कहाँ का? स्पेन का फुटबॉल है, ठीक है दोस्तों। क्या? स्पेन की राजधानी मैड्रिड, स्पेन की मुद्रा यूरो, स्पेन का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल। तो दोस्तों इससे जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो बताएं आप दोस्तों। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है नवंबर, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, ठीक है ये ध्यान रखना। और आज 3 नवंबर भी, ये भी अलग अलग कंफ्यूजन में मत होना, 3 नवंबर क्या क्या लिखा अलग। तो दोस्तों 3 नवंबर नहीं, नवंबर नवंबर 2021 में रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद अब्दाली, हरिंदर सिद्धू, पवन कपूर, विनय राजन सेन। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है सी, क्या? पवन कपूर को, ठीक है दोस्तों। अब इनसे कुछ रिलेटेड पॉइंट्स जान लेते हैं, कहाँ के रूप में नवंबर 2021 में भारत के नए राजदूत के रूप में। तो दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में, लिख लेते हैं, नोट कर लीजिए आप भी, संयुक्त अरब अमीरात में, नई दिल्ली के दूत दूत पवन कपूर को रूस में भारत का नया राजदूत, पवन कपूर को रूस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब जान लेते हैं इनके, ये इसके बाद ये पहले क्या थे, किससे इनको पोस्ट इससे मिल गई। तो दोस्तों आपसे बताना चाहता हूं, 1990 में भारतीय विदेश सेवा, जैसे अभी अगला क्वेश्चन, भारतीय विदेश सेवा मतलब IFS, ठीक है, शामिल होने वाले कपूर मॉस्को में डीबी वैकेंट शर्मा का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे ये मॉस्को में दोस्तों? रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को, ठीक है दोस्तों। वहां किसका स्थान लेंगे? तो दोस्तों ये मॉस्को में डीबी वेकेंटेस शर्मा का स्थान लेंगे, ठीक है, शर्मा का स्थान लेंगे, ठीक है दोस्तों। और इनसे रिलेटेड अब रूस में जाएंगे, तो रूस की अब कुछ और बातें बता देता हूं। तो दोस्तों रूस की राजधानी क्या है? जैसे सिंपल बातें मैं सभी को बताता हूँ, सभी को, रूस की राजधानी मॉस्को है। अब मुद्रा देख लेते हैं, तो दोस्तों रूस की मुद्रा है रूसी रूबल, रूसी रूबल रूस की मुद्रा है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक भारत के शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को जीरो मतलब शून्य करने का संकल्प लिया है? मोदी जी ये जरूर करके मानेंगे, वो भी दोस्तों बहुत लंबी तिथि, मोदी जी कोई भी काम करते हैं तो बहुत बड़ा करते हैं, चाहे चाहे प्रोग्रेस का हो, चाहे डिसप्रोग्रेस का, कोई भी हो सकता है दोस्तों। ज्यादा हम इस पे कॉम्प्लीमेंट ना देते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। तो दोस्तों क्या है, नवंबर 2021 में, जैसे इसमें विदेश बाहर विदेश यात्रा तो बहते ही करते हैं, आपको पता ही हो। तो दोस्तों नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक भारत के शुद्ध कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने का संकल्प लिया है? 2040, 2050, 2060, 2070। तो दोस्तों आपको पता है मोदी जी कोई भी छोटा काम नहीं करते हैं, वैसे इसमें भी कोई छोटा ऑप्शन नहीं हो सकता, 2070 तक, ठीक है दोस्तों। कब? आपका राइट आंसर डी है, 2070 तक, ठीक है दोस्तों। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। तो दोस्तों भारत ग्रीन हाउस गैसों का विश्व का तीसरे सबसे बड़ा उत्सर्जक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत भारत विश्व का ग्रीन हाउस
गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा उत्पादन क्षमता को 2030 तक 50,500 गीगावाट तक बढ़ा देगा। कितना बढ़ा देगा 2030 तक? तो दोस्तों 2030 तक बढ़ा देगा 500 GW गीगावाट। ठीक है दोस्तों, बढ़ा देगा। और उसी समय तक नवीकरणीय ऊर्जा से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को कितने प्रतिशत पूरा करेगा? 50% पूरा करेगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बात कर लेते हैं इससे एक दो रिलेटेड और पॉइंट्स की। तो दोस्तों भारत 2030 तक अपने कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी लाएगा। कितनी? 2030 तक कितने बिलियन टन की कमी लाएगा दोस्तों? 1 बिलियन टन की कमी लाएगा, 1 बिलियन टन की कमी लाएगा। ये ध्यान रखना, दशक के अंत तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कितने प्रतिशत कर दोस्तों? दशक के अंत तक कार्बन को की तीव्रता को 45% कम कर दे। कितने में? 45% कम कर देगा। ठीक है दोस्तों, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये तो आप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नवंबर 2021 में धर्मेंद्र प्रधान ने स्कूलों के लिए भाषा संगम पहल, भाषा संगम मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इसका उद्देश्य कितनी भाषाओं में रोजमर्रा के उपयोग के साधारण वाक्य पढ़ाना है? तो दोस्तों A 10, B 14, C 18 और D 22। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर है डी, मतलब 22, 22 भाषाओं को। ठीक है दोस्तों, अब इनसे कुछ रिलेटेड पॉइंट जान लेते हैं। तो दोस्तों भाषा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल, किसके तहत ये पहल की गई है दोस्तों? तो दोस्तों भाषा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत शिक्षा मंत्रालय ने इसकी पहल की है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसका उद्देश्य है 22 भारतीय भाषाओं में रोजमर्रा के उपयोग के साधारण वाक्यों को पढ़ाना। कितने? 22 भाषाओं को। ठीक है दोस्तों, और कुछ रिलेटेड इससे पॉइंट जान लेते हैं। तो दोस्तों एप्लीकेशन को नजारा टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा विकसित, अब बात आते हैं ये जो ऐप लॉन्च किया गया है इसको किसके द्वारा, मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों ये नजारा दृश्य नहीं दोस्तों, समझ, नजारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा इसे विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों, यह पहल छात्रों को भारत की भाषाई विविधता को अपनाने और संस्कृत विरासत को बनाने के लिए लोगों को जागरूक करेगा। जो 22 भाषाओं में दोस्तों जैसे कंट्रीज अपनी भाषाएं को, बहुत सी भाषाएं हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022-2020 भारतीय भाषाओं को बढ़ाने देने पर जोर की दस रूप तैयार करती है। तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एक और पॉइंट जो जान लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर डालता है, मंत्रालय जोर डालता है। ठीक है, या रूपरेखा तैयार करता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं तो वो बताएं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।